अरे सर आप? आपको कहाँ जाना है? सर बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। यहाँ तो सर मत कहें, आई मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सर आप ऐसे जहमत कर रहे हैं, मेरी बस आने वाली होगी, बहुत शुक्रिया। ऐसे रोड पे खड़े होकर बातें करना वैसे भी अच्छा नहीं लगता, आप आए प्लीज बैठे, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आए। गुड। वैसे खूबसूरत लड़कियों को इस तरह रोड पे खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? मजाक कर रहा हूँ। ऐसे कितनी खूबसूरत लड़कियों को जानते हैं आप? अब ये कहना चाह रही हैं कि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि लड़कियों में मैं हमेशा अच्छे खुलूस को तलाश करता हूँ और लड़कियां मुझ में अपना रोशन मुस्तकबिल, इसीलिए कभी बात ही नहीं बन पाई, क्योंकि मुझे ये मोहब्बत कम और सौदेबाजी ज्यादा लगती, इसी वजह से आज तक सिंगल हूं। अब चलें। श्योर। दिस इज जस्ट वन साइडेड लव, तभी तो फारिस को मैंने आज तक अपना कोई लेटर नहीं दिया। जमर, ये सर मनाहिल, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, जो भी था इट्स फाइन। तुम्हें फारिस से मोहब्बत थी या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तुम्हें क्यों फर्क नहीं पड़ता जमर? तुम बीवी हो फारिस की। इट डजंट मैटर, और अगर मुझे फर्क पड़ता भी है तो तुम्हें इतनी क्या फिक्र है? तुम्हारे लहजे से लग रहा है कि तुम अभी तक मुझ पर गुस्सा हो। नहीं हूं मैं गुस्सा। I'm sorry, Nahil. तुम क्यों sorry कह रही हो? क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे और फारिस के बीच में जो कुछ भी चल रहा है। मेरे और फारिस के बीच में कुछ नहीं चल रहा जमर। अच्छा, और कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना, लेकिन तुम्हारी इन बातों से एक बात का अंदाजा मुझे जरूर हो गया। किस बात का अंदाजा? यही कि फारिस तुम्हें इग्नोर करता है। तुम्हारी मैरिटल लाइफ ठीक नहीं जा रही ना समर। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मनाहिल। इतनी रूड तो ना हो यार। रूड ना हो तो फिर कैसे बात करूं तुमसे? और तुम ये सब पूछ ही क्यों रही हो? ताकि तुम्हारा अपना रास्ता साफ हो जाए। For God's sake, समल, तुम इस गलत फहमी से बाहर क्यों नहीं आ रही? मैं तो सिर्फ हमदर्दी में ये तुमसे सारी बातें पूछ रही हूँ। हमदर्दी? तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो जो मुझे अपनी हमदर्दियाँ दिखा रही। अपनी ये हमदर्दियाँ अपने पास रखो, और मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? And I think कि मैं बहुत अच्छी दोस्त साबित होंगी। वैसे भी तुम्हें इस घर में एक अच्छे दोस्त की जरूरत है जिसके साथ तुम अपने सारे मसले शेयर कर सको। बोलो, क्या बनोगी तुम मेरी फ्रेंड? बस यहीं रोकते हैं। यहाँ? ये तो रोड है, यहाँ से कहाँ जाएंगी आप? नहीं बहुत शुक्रिया, मेरा घर यहाँ से बहुत करीब है, मैं पैदल चली जाऊंगी। पैदल? पैदल क्यों जाएंगी आप? मैं छोड़ आता हूँ आपको। नहीं सर, मेरा मतलब है राफेल, एक्चुअली मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वहाँ पर लड़कियाँ इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतरे तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। सुने जी, मुझे अच्छा लगा आप मेरे साथ आई। अदा हाफिज़।